हाय फोक्स, वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ कि कभी आपको ऐसा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े जिसमें मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए और उस इंसान के साथ किसी भी फैमिली के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सीरियस टॉपिक पे भी कभी वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर करूँगा, लेकिन मैं पिछले 3-4 साल से यूट्यूब में हूँ, लोगों की अलग अलग तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, मल्टीपल चैनल से मेरे। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारे यहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ, ट्रेजिडी उसे कह सकते हैं, हमारे बड़े पापा को ओरल कैंसर था, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें कि हमने कैसे क्या मैनेज किया, कहाँ हमने उनको ले गए पहले और कहाँ कैसे भटक के फिर जाके कहाँ ऐसा हमको इलाज मिला जिससे अब मेरे बड़े पापा सही हैं। वैसे आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स में किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो शायद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंगजाइटी, ये सब भी बहुत आम बात है। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे जो बड़े पापा हैं उनको 3 महीने पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो हमने कैसे क्या किया और अब वो सही हैं पूरी तरह से। तो मैंने सोचा अपनी इस जर्नी को आपके साथ शेयर करूं, और हम कानपुर से हैं तो कानपुर के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, ना सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के कई सारे रीजन्स के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, एक्चुअली में सीन ऐसा था कि 3 महीने पहले मेरे बड़े पापा को पता चला कि उनको ओरल कैंसर है, जो उनका लोअर लिप था उसमें कई सालों से एक छोटा सा दाना था वो कैंसरस था, लेकिन कभी चेक नहीं, कभी डायग्नोस नहीं कराया, तो कभी ये चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कैंसर सेल है। लेकिन विद टाइम जब वो बढ़ता चला गया और फिर एक समय ऐसा आया कि नीचे का पूरा लोअर लिप डैमेज हो गया, तो उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या कराएं क्या ना कराएं। तो जो रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ बात की और कुछ जगह से लिंक्स मिले, इंटरनेट पर पता किया, तब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कैंसर के लिए सबसे सही जो हॉस्पिटल इंडिया में है वो है टाटा वालों का कोई बॉम्बे में है, लेकिन नॉर्थ बेल्ट के लिए बनारस में भी एक है। तो हम लोग वहाँ पे गए अपने बड़े पापा को लेकर, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और जानने की कोशिश की कि क्या हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वहाँ पे जब पहुँचे तो पता चला कि 3 महीने की बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब 3 महीने की वेटिंग है। ऑपरेशन तो डॉक्टर ने कहा था तुरंत कराओ क्योंकि लोअर लिप ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो चुका था और वो नीचे भी फैलता जा रहे थे कैंसर सेल्स। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, लखनऊ का रेफरेंस मिला हम लोगों को। जब हम लोग वाराणसी से लखनऊ आए तो लखनऊ के 3 हॉस्पिटल्स के बारे में पता चला, अपोलो, लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट और चंदन हॉस्पिटल। इन तीनों में से एक हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, वहाँ के जो स्टाफ थे उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन मिली और जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो मैं वो वाला तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे किसी हॉस्पिटल का मैं नाम ले दूँ कि वो सही नहीं है तो हमारे ऊपर हो सकता है वो कोई लीगल एक्शन ले ले। आप इंस्टाग्राम पे आना, मैं आपको बता दूंगा कि लखनऊ में कहाँ पे नहीं जाना है। दोस्तों, आपको मैं बताऊँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लखनऊ में जो सबसे सही मुझे लगा वो था अपोलो। ऑल्दो ये थोड़ा सा महंगा था, लेकिन हाँ, सही इलाज और सही फैसिलिटीज़ के लिए अपोलो आप रेफ़र कर सकते हो। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम अप डाउन करें लखनऊ कानपुर लखनऊ कानपुर, तो हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि कानपुर में ही कराएंगे। कानपुर में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है रीजेंसी नाम का, वहाँ पे हम लोग गए, लेकिन जो इलाज का जो पैसा था वो ऑलमोस्ट 5 लाख 6 लाख था और इतना बजट नहीं होता एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, 5 6 7 8 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि अब क्या करें, तो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि सीएम फंड कुछ होता है जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने उसमें अप्लाई किया, उसमें बड़े पापा का जो इनकम सर्टिफिकेट था वो लगा और उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ और हॉस्पिटल से एक लेटर मिलता है फीस वगैरह का वो लगा। 2 महीने का टाइम लगा जिसके बाद हमारा पैसा आ गया, 2.5 लाख रुपये अप्रॉक्स यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को मिला। रीजेंसी हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर थे, एक डॉक्टर जितेंद्र यादव जिन्होंने बहुत सही से सारा कुछ हैंडल किया, सर्जरी में भी उन्होंने पूरा एफर्ट्स किए और पूरी तरह से कैंसर को रिमूव किया। एक डॉक्टर थे प्लास्टिक सर्जन जो लोअर लिप उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था पुराना हटाने के बाद, उनका नाम था डॉक्टर अमित शर्मा। और फिर रेडिएशन भी हुई डॉक्टर नारायण है जिन्होंने, कुछ ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस। आपको और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। और
प्लीज स्टे सेफ एंड स्मोकिंग कोई करता है तो प्लीज उसको मना करो, वरना लंग कैंसर, अगर कोई गुटखा वगैरह खाता है, ओरल कैंसर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकती हैं। तो प्लीज़ कोशिश करना कि जितना हो सके अपनी तरफ से किसी बीमारी को इनवाइट मत करो, बाकी आपकी मर्ज़ी। खैर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आपके भी रिलेटिव या जिसको भी कैंसर है उसकी सर्जरी होती है तो प्लीज़ जितनी हो सके उतनी हेल्दी मील्स उनको देना, क्योंकि ऐसा है कि मेरे जो बड़े पापा का केस था उसमें ये है कि अब उनको पाइप से खाना देना पड़ रहा था, तो चबाओगे नहीं सही से खा नहीं पाओगे, तो लोग अपने आप को और ज़्यादा बीमार फील करने लगते हैं, तो उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है ताकि वो बेटर फील कर पाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस दौरान जब रेडिएशन वगैरह होता है तो प्लीज़ फ्रूट्स और जितने भी न्यूट्रिशियस आइटम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो, क्योंकि आपकी बॉडी को इस समय आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आपको सावधानी से हेल्दी चीज़ें सेहतमंद चीज़ें खानी है, ना कि ऐसी चीज़ें जिससे आप और ज़्यादा बीमार हो जाओ। वैसे जो एक्सपीरियंस हमारा था वाराणसी में टाटा हॉस्पिटल को लेके वो अच्छा था, वहाँ का सारी चीज़ें सही थी। अगर आपका कैंसर ऐसी स्टेज में है कि 3 महीने 2 महीने का वेट करके आप ऑपरेशन करा सकते हो तो आप उसको भी ज़्यादा रेफ़र करो, वहाँ पे खर्चा भी कम होगा और वहाँ पर खर्चा कम होने के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी आपको अच्छी और डॉक्टर्स भी टॉप नॉच क्वालिटी के मिलेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें अब आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना है, ऑपरेट कराना है, रेडिएशन कराना है, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी सही डॉक्टर के पास पहुँचो। फिर डॉक्टर के पास पहुँचने के लिए अगर आपके कोई रिलेटिव को पहले ऐसी कोई बीमारी हुई हो, क्योंकि रिलेटिव्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो प्लीज़ उनसे उन डॉक्टर्स के बारे में जानो, खर्चा कितना आ रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है और कैसे क्या उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, ये सब आप जानने की कोशिश करो। उसके बाद कम से कम 2 डॉक्टर्स से ज़रूर कंसल्ट करो। इंटरनेट का ज़माना है, आपको हर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन इंटरनेट पर मिलती हुई हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। तो प्लीज़ अपने जो रियल में कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हो या किसी को हुआ हो तो उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करना इस बारे में कि क्या सही है और क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये किसी की ज़िंदगी और मौत का भी फैसला हो सकता है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँगा। कुछ 3 महीने पहले मेरे बड़े पापा को डायग्नोस हुआ था कैंसर, बिल्कुल घर में एकदम ख़राब माहौल हो गया था, नेगेटिविटी का माहौल हो गया था, सारे लोग डर गए थे क्योंकि अभी तक इतना बड़ा इलनेस किसी को नहीं हुआ था। जब ऐसा पता चला तो हम लोग दौड़ते हुए पहुँचे वाराणसी। वाराणसी जाने के बाद हमको वहाँ पर जो टाटा हॉस्पिटल है वहाँ ये पता चला कि अप्रॉक्स 3 महीने की वेटिंग है, बेड नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है, प्लस डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द इनको ले जाइए लखनऊ। लखनऊ में टाटा वाले हॉस्पिटल ने ही हमको लखनऊ रेफ़र किया और डॉक्टर्स के नाम और उनके हॉस्पिटल्स के नाम बता दिए। तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में एक है अपोलो, फिर एक है लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट और तीसरा है चंदन हॉस्पिटल। इन 3 जगह हमको रेफ़र किया गया था, तीनों जगह हम गए थे पता किया। अपोलो में 6-7 लाख रुपए खर्चा था, कानपुर में एक अच्छे डॉक्टर